नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश तक। मैं हूं आपके साथ प्रशांत मणि त्रिपाठी। हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक सुर्खियों में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे ही कुछ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं जिसने देश की सियासत में सरगर्मी बढ़ाने का काम किया है। तेलंगाना में गर्जे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, कर्नाटक के बाद अब उसके पड़ोसी राज्य तेलंगाना की सियासत जोर पकड़ने लगी है, क्योंकि इस वर्ष के अंत में तेलंगाना विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए कर्नाटक में मिली बड़ी हार से सबक लेकर भारतीय जनता पार्टी अब अपना पूरा ध्यान पड़ोसी राज्य तेलंगाना पर लगा रही है। इसी के चलते बीजेपी के तेलंगाना के करीमनगर में 14 मई रविवार को हिंदू एकता यात्रा निकाली, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता समेत हजारों की भीड़ सम्मिलित हुई। इस यात्रा में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और तेलंगाना बीजेपी के मुखिया बंदी संजय कुमार भी शामिल हुए। इस दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा ने जमकर कांग्रेस और हिंदू विरोधी राजनीतिक दलों पर निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि भारत जब तक हिंदू रहेगा तब तक देश सुरक्षित रहेगा। उन्होंने प्रदेश की जनता से कहा, आपको याद रखना है कि आज तक तेलंगाना में जो हुआ है हमें उसे बदलना है। हमें तेलंगाना में एक हिंदू सिविलाइजेशन पर आधारित राम राज्य को लाना है। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले में की 865 करोड़ की जलप्रदाय योजनाओं का भूमि पूजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर रविवार को मध्य प्रदेश के सागर जिले में अखिल भारतीय कुशवाहा समाज के संभाग स्तरीय सम्मेलन एवं सम्मान समारोह में सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने चुनावी मौसम को देखते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने ऐलान किया कि सागर जिले के लिए 865 करोड़ की 3 समूह जल प्रदाय योजनाओं का निर्माण किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में कुशवाहा समाज का लार्ड बोर्ड बनेगा, इसके अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा मिलेगा। वहीं 10 करोड़ रुपए की लागत से लव कुश मंदिर और धर्मशाला निर्माण की घोषणा की। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम के दौरान मामा शिवराज ने अपने बेरोजगार भांजे भांजियों के लिए भी रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि विद्यार्थियों के लिए छात्रावास यानी हॉस्टल भी बनाया जाएगा। अगली खबर है, भाजपा के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर कसा तंज। कहा, खरीद फरोख्त से नहीं बल्कि अपने कर्मों से गिरे कमलनाथ। चुनावी वर्ष में मध्य प्रदेश की सियासत में कर्नाटक चुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक लगभग सभी राजनीतिक दल कर्नाटक के नतीजों को लेकर भाजपा पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं बीजेपी नेता सख्ती से इसका जवाब दे रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कर्नाटक चुनाव के नतीजों का कोई असर नहीं होगा और प्रदेश में 5वीं बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला और कमलनाथ आरोपों को जवाब देते हुए कहा कि कमलनाथ खरीद फरोख्त से नहीं गिरे, अपने कर्मों से गिरे। इन्हें कोई हक नहीं है हमसे किसी भी प्रकार के सवाल करने का। इनके सभी सवालों के जवाब जनता आगामी चुनाव में बीजेपी को जिताकर दे देगी, क्योंकि कमलनाथ ने 18 महीनों में प्रदेश के लिए क्या किया यह प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। इसी क्रम में अगली खबर है, कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में गाड़ा जीत का झंडा, शुरू हुई मुख्यमंत्री बनने की रेस। कल यानी 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए, जिसमें देश के सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस ने एक छत्र जीत दर्ज की, जिसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि कांग्रेस कर्नाटक में अपने दम पर सरकार बनाने में सक्षम है। प्रदेश में सरकार बनाने के लिए उन्हें किसी से गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं है और कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है। पार्टी के अंदर ही मुख्यमंत्री बनने के लिए नेता एक दूसरे से भिड़ते नजर आएंगे। यूं तो कर्नाटक कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं, मगर कद्दावर नेता सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी के शिवकुमार सीएम पद के लिए मुख्य प्रमुख दावेदार हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी का आलाकमान किसके नाम पर मुहर लगाते हैं ये तो कुछ दिन बाद ही पता चलेगा। मीडिया रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार डी के शिवकुमार के पास ज्यादा विधायकों का समर्थन है। सूत्रों के अनुसार डी के शिवकुमार खेमे में 68 विधायक हैं, तो वहीं सिद्धारमैया के पास 59 विधायकों का समर्थन है। देश के इन अहम मुद्दों पर आपका क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।